अजित पवार सुले आणि इतकी वर्ष संधी मिळवण्याच्या नंतर आणखी विमोचनाच्या समाजाची भूमिका मी कधी घेणार नाही आणि त्यामुळे तुम्हाला अस्वस्थता कदाचित वाटेल पण मी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त व्हायचा निर्णय आज घेतलेला आहे. कांग्रेस और महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे शिवसेना को जो लग रहा था आखिरकार वो सच साबित हो गया. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है. जी हां, आपको बता दें कि शरद पवार ने राकांपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है. जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी राकांपा के अध्यक्ष शरद पवार ने ऐलान किया है कि वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ रहे हैं. उन्होंने पद से इस्तीफा देने की बात कही. उनके इस ऐलान के बाद अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर पवार ये पद किसे सौंपने जा रहे हैं. दरअसल राकांपा के अध्यक्ष पद के लिए अजीत पवार भी प्रतिद्वंदी के तौर पर देखे जाते हैं. वहीं शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को पवार का उत्तराधिकारी माना जाता है. ऐसे में पार्टी अध्यक्ष की जंग आने वाले समय में दिलचस्प हो सकती है. बता दें कि इससे पहले पिछले हफ्ते पवार ने मुंबई में आयोजित युवा मंथन कार्यक्रम में रोटी पलटने की बात कह डाली. पवार बोले कि किसी ने मुझे कहा कि रोटी सही समय पर पलटनी होती है, अगर सही समय पर नहीं पलटी तो वो कड़वी हो जाती है. अब सही समय आ गया है रोटी पलटने का, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए. इस बारे में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को आग्रह करूंगा कि वो इस पर काम करें. पवार का ये ऐलान ऐसे समय आया था जब उनके भतीजे और एनसीपी नेता अजीत पवार के नए राजनीतिक कदम को लेकर अटकलें लगाई जा रही है. दावा किया जा रहा है कि वो भाजपा के साथ हाथ मिला सकते हैं. हालांकि अजीत पवार इन अटकलों को खारिज भी कर चुके हैं. शरद पवार ने युवा मंथन कार्यक्रम में अपनी बात रखी है. ऐसे में हो सकता है कि अब पवार पार्टी की जिम्मेदारी किसी युवा हाथों में देना चाहते हो. इसमें दो बड़े नाम हैं, पहला उनकी बेटी सुप्रिया सुले और दूसरा उनके भतीजे अजीत पवार. अजीत पवार को लेकर हाल ही के दिनों में कुछ अटकलें लगाई जा चुकी है. संभव है कि पवार इन्हीं दोनों में से किसी एक को पार्टी की कमान सौंप दे. इसके जरिए वे युवाओं के बीच ये संदेश देना चाह सकते हैं कि एनसीपी में युवाओं के लिए अवसर है और एनसीपी युवाओं को आगे बढ़ाना चाहती है. खैर बात जो भी हो, लेकिन शरद पवार ने फिलहाल अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छोड़ दिया है. तो देखना ये होगा कि आने वाले समय में उनका अगला कदम क्या होता है. कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि शायद वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ अंदाजा है. बने रहिए पंजाब केसरी के साथ.